नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार अब टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही उतर रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब ये कहते हैं कि 400 पार का नारा ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे के मंत्री के खिलाफ उठती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के मंत्री के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से यहां पर आपको ये बता दें, अब्दुल सत्तार जो एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं, उनको निष्कासित करने की बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। निष्कासित करने की मांग जोरों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा उठाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जलाना लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए अब्दुल सत्तार नजर आए थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो अब्दुल सत्तार है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये कहा गया कि यहाँ पर कल्याण काले जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे जलाना लोकसभा सीट से, उनके समर्थन में वोट मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे अब्दुल सत्तार, ये आरोप लगाया गया। और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर को लेकर यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द अब्दुल सत्तार पर एक्शन लिया जाए, अब्दुल सत्तार को यहाँ पर निष्कासित किया जाए, जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, पार्टी से बाहर किया जाए। लेकिन अब चर्चाएं तेज हो गई है कि एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं। अब ऐसे में क्या खुद एकनाथ शिंदे के इन मंत्रियों पर अगर आफत आएगी तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।